दोस्तों कहने को तो आज हम एक ऐसे अद्भुत युग में जी रहे हैं जहां चारों ओर विज्ञान का बोलबाला है। बिजली, उपकरण, उन्नत खोजे और भी ना जाने किन किन आविष्कारों ने मिलकर हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या हमारी परेशानियाँ कम हुई है? क्या वास्तव में आज का मानव एक सुखी जीवन जी रहा है? नहीं दोस्तों, यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम सुखी नहीं बल्कि और भी दुखी होते जा रहे हैं, और इसकी मुख्य वजह है हमारे कर्म। आप भले ही ये बात माने या ना माने, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य है। और इसी क्रम में आज हम आपको 6 ऐसे कृत्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा इन सब से आपको सुख, शांति, स्वास्थ्य, सौभाग्य और तमाम प्रकार के सुखों से वंचित रहना पड़ेगा। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे 6 अति महत्वपूर्ण कृत्य कौन कौन से हैं जो आपकी परेशानियों का कारण बने हुए हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सूर्यास्त के पश्चात अर्थात रात्रि के समय हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इस बात को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि सूर्य नारायण हमारे जीवन या पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, या कहें कि सूर्य की ऊर्जा से हम कैसे प्रभावित होते हैं। दरअसल शास्त्रों में सूर्य देव को जीवन दाता के रूप में दर्शाया गया है। इनकी उपस्थिति से न केवल हमें प्रकाश व रोशनी मिलती है बल्कि इससे हमें वो ऊर्जा भी मिलती है जो हमें जीवित रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा वैसी ही है जैसे कि कोई विद्युतीय शक्ति या आपके मोबाइल में लगी बैटरी हो, जिसकी उपस्थिति भले ही आपको महत्वपूर्ण ना लगे लेकिन इस शक्ति के बिना ये उपकरण बेकार है। इसी प्रकार से सूर्य देव भी हैं, और इस बात का प्रमाण आपको ग्रहण काल में देखने को मिलता है। वैसे कहने को तो ग्रहण काल कुछ मिनटों का ही होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई अन्य ग्रह आ जाता है जिससे कि पृथ्वी पर बहुत ही अल्प समय के लिए सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि विज्ञान से भी परे हिंदू धर्म में ग्रहण काल के कई घंटे पहले और ग्रहण काल के समाप्त होने के कई घंटे बाद तक के समय को ग्रहण काल का समय अर्थात सूतक माना जाता है। इस दौरान ना तो किसी वस्तु को स्पर्श किया जाता है और ना ही कुछ ग्रहण किया जाता है, और तो और सूतक समाप्त होने के बाद स्नान किया जाता है, खुद को, घर को तथा मंदिर इत्यादि को पवित्र किया जाता है, और भी ना जाने क्या क्या। और इस सब की मुख्य वजह यह है कि सूर्य देव की उपस्थिति में वो सभी वस्तुएं जैसे भोजन, जल, हमारा शरीर, घर इत्यादि शुद्ध होते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के लिए उनकी अनुपस्थिति में ये सब की सब चीजें दूषित व अपवित्र हो जाती है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इन दूषित वस्तुओं को ग्रहण कर ले या इनका स्पर्श कर ले तो इससे उसकी आयु कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों रात्रि का समय भी होता है, जब सूर्य देव अनुपस्थित होते हैं तब सौर मंडल के अन्य ग्रह अपनी नकारात्मक ऊर्जा से संपूर्ण धरती के वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें आपको रात के समय नहीं करने चाहिए, किंतु फिर भी आप ऐसा करते हैं तो हाथों हाथ तो नहीं लेकिन कुछ दशक बीत जाने के बाद आपको इनका दुष्प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। और यदि आप विज्ञान के पास इसका जवाब खोजने जाएंगे तो फिर आपको लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि अभी अध्यात्म जितना विज्ञान को पता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि रात्रि के समय आपको किन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों कहने को तो नाखून, दाढ़ी या बाल बहुत ही साधारण सी चीज है और जब समय मिले हम इन्हें काट लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इन्हें रात में या सूर्यास्त के बाद नहीं काटना चाहिए। वैसे बहुत से लोग आजकल इन नियमों का पालन नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पहले के लोग अल्प बुद्धि वाले थे और उनके पास नेल कटर नहीं था। ऐसे में यदि रात के अंधेरे में वे अपने नाखून काटते थे तो नाखून की जगह वे अपनी उंगलियां ही काट लेते थे। शायद इसीलिए ये नियम बनाए गए होंगे कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए। लेकिन दोस्तों फिर आप इनसे पूछिएगा कि शनिवार या मंगलवार को रात में तो क्या दिन में भी ऐसा करने की मनाही है? तो फिर ये लोग कहेंगे कि पुराने लोग अंधविश्वासी होते थे। और ऐसे में यदि आप इनसे ये पूछेंगे कि अगर वे अज्ञानी थे तो
तो फिर उन्होंने बिना किसी खगोलीय उपकरण के आखिर कैसे ब्रह्मांड ब्रह्मांड में उपस्थित कई आकाशगंगाएं, नवग्रह तथा उनके प्रभावों को खोजकर ज्योतिष शास्त्र जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना कैसे की थी? तो फिर दोस्तों इनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि तब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अतः दोस्तों आपकी भलाई इसी में है कि आप रात के समय इस प्रकार के कृत्यों से बचें। वैसे इस विषय पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस वीडियो के बाद आप उसे जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं पेड़ पौधों की। दोस्तों शास्त्रगत मान्यताओं के अनुसार रात के समय पेड़ पौधों को छूना, उनके पास जाना, उन्हें जल देना या उनकी पत्तियां तोड़ने इत्यादि की मनाही है। शास्त्रों का इस संदर्भ में यह मत है कि रात के समय पेड़ पौधे विश्राम करते हैं व कई बार उनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। वैसे विज्ञान को इस बारे में कुछ अता पता नहीं है। विज्ञान ने इस संदर्भ में सिर्फ अब तक इतना ही खोजा है कि जो वृक्ष दिन के समय सूर्य देव की मदद से प्राण वायु का संचार करते हैं, वहीं ये पेड़ रात होने पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने की समस्या हो सकती है। हालांकि एक न एक दिन विज्ञान भी अध्यात्म को सही सिद्ध करेगा, लेकिन अभी के लिए तो आपको अध्यात्म की बात माननी चाहिए, जो ये कहता है कि रात के समय ना तो आपको पेड़ पौधों को जल देना है और ना ही किसी अन्य प्रकार से इन्हें सताना है। अब बात करते हैं स्नान की। दोस्तों स्वस्थ रहने की दृष्टि से स्नान जरूरी है। हिंदू धर्म कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से न केवल आपके शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि इससे आपका मन भी पवित्र होता है। लेकिन शास्त्रों में स्नान का उचित समय निर्धारित किया गया है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 4 से 5 के बीच किया गया स्नान मुनि स्नान कहलाता है, जिससे कि मनुष्य को बल बुद्धि तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया गया स्नान देव स्नान कहलाता है, जिससे कि मनुष्य को यश कीर्ति धन वैभव सुख शांति तथा संतोष जैसे इत्यादि अनेक फलों की प्राप्ति होती है। जबकि सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया गया स्नान मानवीय स्नान कहलाता है, जिससे कि मनुष्य को सूझबूझ सफलता व अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। किंतु शास्त्रों में 8 बजे के बाद स्नान करने की मनाही है, परंतु फिर भी जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे दरिद्रता हानि दुख कलेश व अनेक प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसे स्नान को राक्षसी स्नान की संज्ञा दी गई है और रात में तो आपको भूलकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। वैसे नाखून दाढ़ी या बाल काटने की ही तरह इस विषय पर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाई है और उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अतः आप उसे भी अवश्य ही देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं भोजन की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सेहतमंद रहने के लिए भोजन कितना जरूरी है। आज विज्ञान कहता है कि भोजन के बिना आपके शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन हिंदू धर्म भोजन के संदर्भ में विज्ञान से भी अधिक जानता है और यह कहता है कि भोजन करने से तो ऊर्जा मिलती ही है, बल्कि कभी कभी भोजन ना करने से भी ऊर्जा मिलती है। संभवतः इसी वजह से शास्त्रों में कुछ विशेष दिन जैसे 11 पूर्णिमा इत्यादि शुभ अवसरों पर व्रत करने की सलाह दी जाती है, ताकि आप आध्यात्मिक व शारीरिक दोनों ही दृष्टिकोण से मजबूत रह सके। और तो और गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आपको रात्रि के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही रात के समय आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है। चलिए अब बात करते हैं झाड़ू की। दोस्तों कहने को तो झाड़ू बहुत ही साधारण सी चीज है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि झाड़ू दरिद्रता रूपी कचरे को बाहर निकालती है, जिससे कि घर में स्वच्छता का वास होता है और जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ पर सुख समृद्धि अपने आप ही चली आती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि सूर्यास्त के बाद आपको झाड़ू नहीं लगानी है। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा करेगा तो इससे उसे धन हानि व अन्य प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अंतिम संस्कार की। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में दाह संस्कार की परंपरा है। दरअसल ये परंपरा हजारों सालों से यूं ही चली आ रही है, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शरीर और आत्मा के विज्ञान को आज से हजारों साल पहले ही खोज लिया था। उनका मानना था कि ये शरीर नश्वर है और ये इस पृथ्वी पर उपस्थित पंच तत्वों से मिलकर बना है, जबकि आत्मा अमर है क्योंकि उसका जन्म सीधे परमात्मा से हुआ है। अतः मृत्यु के बाद पंच तत्वों से बने इस शरीर को
पंच तत्व अर्थात धरती, अग्नि, आकाश, जल और वायु में विलीन कर दिया जाना चाहिए, ताकि प्राणी का उसके शरीर के प्रति मोह भंग हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन दह संस्कार कभी भी रात में नहीं किया जाता है। दरअसल इसके पीछे की मान्यता यह है कि यदि किसी का रात में दह संस्कार कर दिया जाए तो इससे उसके सूक्ष्म शरीर को अत्यंत ही कष्ट झेलने पड़ते हैं और फिर अगले जन्म में वो नेत्रहीन पैदा होता है। वैसे अन्य वीडियो की तरह अंतिम संस्कार पर भी हमने एक विस्तृत वीडियो बनाई है और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसे भी अवश्य ही देखिएगा। तो दोस्तों, ये थे वे 6 कर्म जो सूर्यास्त के बाद नहीं किए जाते हैं और इनका विज्ञान से भी बढ़कर आध्यात्मिक महत्व है। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।